दोस्तों, जोंक एक ऐसा कीड़ा है जो ताजे पानी, खारे पानी और भूमि सहित पर्यावरण की एक विशाल श्रृंखला में रहते हैं। ये जोंक उभयलिंगी और मांसाहारी होते हैं, जो अपने शिकार को पूरा निगल जाते हैं। ये ऐसे परजीवी होते हैं जिसका शरीर खंडों में बटा होता है और अपने शरीर के दोनों छोर पर स्थित दो चूसने वाले डिस्क के साथ मौजूद होते हैं। रक्त चूसने वाले ये जोंक जब अपने शिकार को काटते हैं, तब वो उनके शरीर में वाय आकार का छेद बनाते हैं, जिसके बाद ये अपने डिस्क से एनेस्थेटिक रसायन, थक्का रोधी और एंटीबायोटिक छोड़ते हैं, ताकि इसके शिकार को काटने का एहसास ना हो और रक्त आसानी से बहता रहे, और इस तरह शिकार को भी संक्रमण की बहुत कम संभावना होती है। और इसीलिए इसे रक्त चूसने वाले कीड़े के रूप में जाना जाता है। लेकिन रक्त ही एकमात्र ऐसा भोजन नहीं है जो इन्हें जीवित रखता है, क्योंकि ये शिकारी भी होते हैं और ये छोटे स्लग और केचुओं को खा जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जोंक की अधिकांश प्रजातियाँ रक्त भक्षी होती है, जिसका मतलब यही है कि ये सिर्फ रक्त का सेवन करके ही जीवित रह सकते हैं, जिसमें मछली, ताज़े पानी के कछुए, मेंढक, सेलमेंदर, छोटे स्तनधारी जीव, बतख और वो जानवर शामिल हैं जो पानी में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा था कि जोंक केवल रक्त पर जीवित नहीं रहते, बल्कि उनमें से लगभग 25% शिकारी भी होते हैं, और ये घात लगाकर अपने शिकार की तलाश करते हैं और उन्हें मार डालते हैं, जिसमें केचुए, घोंघे, स्लग और अन्य छोटे जीव शामिल होते हैं। आपको बता दूँ कि इस दुनिया में इनकी लगभग 700 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन जोंक का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने बहुत से जानवरों के जीवन चक्र की वीडियो बनाई हुई है, जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला, और आज हम आपके लिए एक और जीवन चक्र के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जोंक उभयलिंगी होते हैं, जिसका मतलब ये है कि प्रत्येक में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग मौजूद होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये यौन प्रजनन करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब दोनों जोंक में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग मौजूद होते हैं, तो ये मिलन की प्रक्रिया को अंजाम कैसे देते हैं? तो आपको बता दूँ कि ये दोनों अपने दोनों प्रजनन अंगों से मिलन करने के लिए अपनी स्थिति को बदल लेते हैं, यानी ये एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, ताकि ये अपने दोनों प्रजनन अंगों को दूसरे साथी के सही अंगों से जोड़ सके। यानी पहला जोंक अपने नर प्रजनन अंगों को दूसरे जोंक के मादा प्रजनन अंग से जोड़ देता है, और दूसरा जोंक भी अपने नर प्रजनन अंग को पहले जोंक के मादा प्रजनन अंग से जोड़ लेता है, जिसके लिए इन्हें अपनी स्थिति को बदलना ज़रूरी होता है। और जब ये एक बार आपस में जुड़ जाते हैं, उसके बाद इनके मिलन की प्रक्रिया शुरू होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इनके मिलन की प्रक्रिया कुछ मिनटों से लेकर घंटों तक हो सकती है, और इस दौरान ये दोनों एक दूसरे के शरीर में अपना स्पर्म ट्रांसफ़र करते हैं। तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही ये दोनों गर्भावस्था में आ जाते हैं, जिसके बाद ये अंडे देने के लिए कोकून बनाना शुरू करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये कोकून बना रहे हैं। आपको बता दूं कि ये जोंक अपने कोकून को अपनी ग्रंथियों से बनाते हैं। ये कोकून शुरुआती दौर पर चारों तरफ से जोंक के शरीर से घिरा होता है, और उसके बाद ये धीरे धीरे उसके शरीर से फिसलता जाता है, जिसके साथ ही फर्टिलाइज्ड अंडे इस कोकून से चिपक कर उसमें जमा हो जाते हैं, जिसके कारण इन्हें अंडे देते हुए नहीं देखा जा सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक कोकून में लगभग 300 तक अंडे हो सकते हैं, जो प्रजातियों के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है, जिसके बाद
ये जोंक अपने कोकून को चट्टानों, पौधों या फिर झाड़ियों से जोड़ देते हैं। तो जैसे ही ये जोंक अपने कोकून को एक सुरक्षित स्थान में जोड़ देते हैं, उसके बाद कोकून में मौजूद अंडे के विकास में 9 महीनों का समय लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ प्रजातियाँ होती है जिसके अंडे का विकास होने में 7 दिनों का कम समय लगता है। तो जैसे ही ये अंडे पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, उसके बाद इनसे बच्चे निकलने शुरू होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बच्चे निकल रहे हैं। ये बच्चे शुरुआती दौर पर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होते हैं और जैसे जैसे इनका विकास होता जाता है, वैसे वैसे इनका रंग गाढ़ा होता चला जाता है। तो जैसे ही ये बच्चे अंडों से बाहर आ जाते हैं, उसके बाद ये छोटे मोटे कीड़ों को खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं। इन जोंक का विकास 2 प्रकार से होता है। दोस्तों आपको बता दूँ कि जिस जोंक की पाचन शक्ति तेज़ होती है वो लगातार खाते रहते हैं और फैलते रहते हैं, लेकिन जिस जोंक की पाचन शक्ति बहुत धीमी होती है वो तेज़ी से बढ़ते हैं और बिना खाए पिए लंबे समय तक जीवित रहते हैं। तो जैसे ही इन जोंक का आकार 1 से 1.5 इंच के बीच हो जाता है, तब ये पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं, जो विभिन्न प्रजातियों के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है, जिसके लिए इन्हें 2 वर्षों का लंबा समय लगता है, जिसके बाद ये अपने साथी की तलाश कर मिलन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जिसके बाद ये जीवन चक्र फिर से शुरू हो जाता है। और अगर बात करें इनके जीवन काल की, तो इस जोंक का जीवन काल 2 वर्षों का होता है, जो विभिन्न प्रजातियों के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।